नर नारिन की कौन कहे हरे कपा न रहू संग लाए मोसे नहीं बनत बनाए। अब ये बनाओ और खाओ, बोल सच्चिदानंद भगवान की। हमारे सभी भैया लोग जो हैं, सभी परिवार के लोग, फूलों की बड़ी वृष्टि की इन लोगों ने। हम तो कहते भगवान आप लोगों पर भी वृष्टि करवाता रहे। और माला से सम्मान। और ये रश्मि बहन जो है 501 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। भगवान सदा सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े। 501 रुपए हमारे सुरेंद्र भैया मां साहब जो है सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। और इसी के साथ में ये सभी भाई लोग जो हैं, हमें और का जंजीर मिली, कोई छोटी बात थोड़ी। हाँ, जंजीर पहना के ये लोग सम्मान कर रहे हैं हमारे भैया लोग। जोरदार ताली बजाओ, तुम्हें शादी तुम चिंता न करो। बोल गोविंद भगवान की। और ब्रजेश भैया की तरफ से 501 रुपए का सम्मान। और
और सभी भाइयों को 101 रुपए से सम्मानित किया है नंगला भगे। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। और इसी के साथ ये जो हमारे भाई भैया लोग हैं, जिनकी देखो समाज में कहते हैं ना, कुछ ऐसे बड़े धर्मात्मा लोग पैदा हो जाते हैं, ये भगवान की सब संतान है। अब इनमें कोई लोग बड़े, आप सबका आशीर्वाद है, जो इन लोगों के सौजन्य से आप सबका आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद है, जो आज हमारे भैया लोगों ने ये इतना बड़ा अनुष्ठान कराया है श्रीमद् भागवत कथा का। आप लोग बड़े बड़े बधाई के पात्र हैं। और हम तो ये चाहेंगे, और देखो दद्दा हमारे नगला बली वाले बैठे, और दद्दा हमारे फिर कह रहे हैं कि देखो लगी बात बनी, अगर तो फिर होगी नगला बली में कथा हमारी। हाँ, और अखिलेश फौजी भैया का ज्यादा दिमाग खर्च कर रहे हैं, इनकी 6-7 कथाएं बोली हैं, और 2-3 तो हम कर चुके, और 6-7 में हमारी लाइन धरी है। और अब हम तक जाने का बात है, अब तो फ्री हो गए भैया, अब तो लड़का लग गया, अब का तो होम दे फिर तो। नगला छता वाले भैया हमारे जो है कुर्रा से, इनकी भी कथा होनी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है और बता दें, आज चलते चलते हमारे सुरेंद्र भैया मासाब जो है, उन्होंने कहा कि दीदी इसी जगह पे, और शायद है कि पिछली वर्ष या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कथा फिर होगी हमारी। एक बार जोरदार ताली बजा सब लोग है। और बड़े भैया हमारे सुरेश चंद्र जो है ना, उनका भी ऐसी बात नहीं, बहुत बढ़िया है, अच्छा सहयोग है उनका, और उन तक खूब सहयोग नहीं रहो, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात, खूब भगवान जी कृपा है। तो आ जाइए एक भजन बोल लें, उसके बाद हम लोग आगे चलते, बहुत सुंदर कथा है। बोलेंगे, ओ रस भरे रसिया के